तो आज के ट्यूटोरियल में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट को या दो मैश को रियल टाइम में एनिमेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक प्लेन ले लूँगा, उसे मैं रिसाइज कर दूँगा। देन उसके बाद मैं एडिट मोड में जाऊँगा टैब दबा के, और यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूँगा फेसेस को। यहाँ पर आप वर्टेक्स मोड में हो तो वर्टेक्स में, यहाँ पर मैं उसको डिवाइड सब डिवाइड कर दूंगा। और यहाँ पर मैं 100 में सब डिवाइड कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। यहाँ पर मैं चल जाऊँगा प्रॉपर्टी मोड में, और यहाँ पर मैं डायनेमिक पेंट को यूज़ कर रहा हूँ। डायनेमिक पेंट में कैनवास ही रहने दूंगा मैं, और यहाँ पर तो यहाँ पर वेब सेलेक्ट कर लूँगा, देन मैं यहाँ पर एक और मैश को ऐड करूँगा, वो यूवी स्फीयर होगा। यूवी स्फीयर को मैं सेलेक्ट कर लूँगा, इंसर्ट कर लूँगा, देन यहाँ पर मैं डबल से इसे लोकेशन दे दूँगा। एंड उसके बाद मैं डबल से मैं डायनेमिक पेंट में जाने के बाद इस बार मैं ब्रश को सिलेक्ट करूँगा। और यहाँ पर मैंने ब्रश को इसलिए सिलेक्ट किया है ताकि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट हो, जो भी कोलाइड हो दूसरे ऑब्जेक्ट से, तो वो एक प्रॉपर्टी शो करता है इसलिए। देन उसके बाद मैं यहाँ पर एड ब्रश को सिलेक्ट कर लूँगा। ओके, यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद में सेटिंग अपने हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट करने के हिसाब से। और यहाँ पर अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, डिजिट्स को चेंज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको भूलना नहीं है कि आपको प्ले करना है उस ऑब्जेक्ट को। ओके, यहाँ पर क्लिक करने के बाद जैसे आप अपने मैशेस को कोलाइड करोगे तो ये इस तरीके से एनिमेट होगा, ये स्क्रीन पे आप देख सकते हो। ठीक है, और इसी तरीके से आप कितने ही ऑब्जेक्ट को एक साथ कोलाइड कर सकते हो। वैसे डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कितना हैवी है, हैवी लोड को हैंडल कर सकता है। वैसे मेरे पास लेनोवो का G2 है, Generation 2, V15, 11th Gen। तो थैंक यू प्लीज़, ऐसे ऑसम कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।